वेलकम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्रो माई सेल्फ शोभा सिंह योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, जो एक मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके एक्सरसाइज एक्चुअली मैं नहीं डाल पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम टास्क, लाइक मेरी खुद के ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और अदर जो टास्क थे जिसके कारण मैं ये चीज़ नहीं कर पाई थी। तो बच्चों का अभी बहुत सारे मैसेजेस और आए तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली एग्जाम भी पास में आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो मैंने मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि ये जो आपने एट्थ स्टैंडर्ड बताया, हमारे यहाँ तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में लक्ष्मीनायक, यस लक्ष्मीनायक कभी अभी लेटेस्ट में आया था कि हमारे में तो फिफ्थ में ये स्टोरी दी है। तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के मैं सेवन्थ में दी, तो इट्स डिपेंड ऑन दैट कि वो किस पब्लिकेशन की बुक है। सो जैसे बेबी बिंगोज जो है उसके ओशन टेक्स्ट बुक में एट्थ स्टैंडर्ड में दी है, फिफ्थ किसी और प्रकाशन में फिफ्थ में दी है, कुछ बच्चों ने बोला कि हमारे सेवन्थ में दी है, कोई ने सिक्स्थ में दी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, मतलब है हमारे चैप्टर से हमने वो चैप्टर की स्टोरी पढ़ ली है, अब हमें उसके एक्सरसाइज करने हैं। बस हमें उतना ध्यान देना है कि हमारी एक्सरसाइज हमारी पूरी होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे काफ़ी मतलब प्रेशराइज किया कि मैडम प्लीज़ क्वेश्चन आंसर तो बताइए, तो सॉरी मैं आप लोग को टाइम से नहीं दे पाई, अब मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। अंजुम सिद्दीकी थी, वो कई बार आपका बेटा मेरे पास आया लेकिन मैं बहुत बिजी थी। विनायक लक्ष्मीनायक आपको भी मतलब इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी इसमें दे आपको एक्सरसाइज करनी है आप अपनी एक्सरसाइज करिए। और रोशनी गिरी, ठीक है मैं ये अपलोड कर रही हूँ और आप इससे अपनी तैयारी कर लीजिए। ओके चलिए हम जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। बुक है उसके एट्थ स्टैंडर्ड की बुक में स्टोरी दी है, सेकेंड चैप्टर है द वर्ल्ड इन अ बॉल। क्वेश्चन वन है व्हाई डिड गैरी टेक द फीमेल स्कॉर्पियन होम। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गैरी टेक द फीमेल स्कॉर्पियन होम। गैरी जो है फीमेल स्कॉर्पियन को घर पे क्यों लेकर आया, तो ये जो चीज है क्यों लिया घर पे क्यों लाया था, तो उसका आंसर है ही वॉज डिलाइटेड टू सी द एक्टिविटीज स्कॉर्पियन डिड। ही वॉज डिलाइटेड टू सी द एक्टिविटीज स्कॉर्पियन डिड एंड वॉन्टेड टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, सो ही टेक्स द फीमेल स्कॉर्पियन होम। माने कि वो जो फीमेल जो स्कॉर्पियन थी वो जो एक्टिविटीज कर रही थी उसका क्रियाकलाप था, उसकी जो एक्शन थी वो देख के वो बहुत ही डिलाइटफुल हुआ, बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही उसको मज़ा आया और वो चाहता था कि उसकी लाइफ स्टाइल की वो स्टडी करें। और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जो है उसकी वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा, सो वो देखना चाहता था, उसकी स्टडी करना चाहता था, लाइफ स्टाइल की भी उसकी ग्रोथ की स्टडी भी करना चाहता था। सो ही टेक्स द फीमेल स्कॉर्पियन होम, तो इसलिए वो फीमेल स्कॉर्पियन को घर पे लेकर आया। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वेयर डिड गैरी प्लेस द स्कॉर्पियन एंड वाई। गैरी ने जो है स्कॉर्पियो को कहाँ पे प्लेस किया, कहाँ पे रखा और क्यों। सो गैरी प्लेस्ड द स्कॉर्पियन इन द मैच बॉक्स। गैरी ने जो है स्कॉर्पियन को मैच बॉक्स में रखा, जो माचिस का डिब्बा होती है ना, उस माचिस की डिबिया में रखा एंड कीप इट ऑन द मेंटल प्लेस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के जो मेंटल प्लेस होता है उसमें मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम सो दैट स्कॉर्पियन गेट प्लेंटी ऑफ एयर। सो गैरी ने उसको प्लेस कहाँ पे प्लेस किया था, स्कॉर्पियन को मैच बॉक्स में प्लेस किया था एंड उसको जो है मेंटल पीस जो है ड्राइंग रूम का वहाँ पे रखा उस मैच बॉक्स को। मेंटल पीस क्या होता है, एक प्रकार का जो है ये सेल्फ होता है जो कि फायर प्लेस से ऊपर रखा जाता है, एक प्रकार का मतलब सेल्फ बनाया होता है उसमें उसको रखा जो कि फायर प्लेस से ऊपर में होता है। कहाँ पर था वो, इन द ड्राइंग रूम सो दैट ताकि स्कॉर्पियन गेट प्लेंटी ऑफ एयर, ताकि जो स्कॉर्पियन को जो है प्रचुर मात्रा में और अधिक मात्रा में एयर प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड गैरी हैव टू लीव द स्कॉर्पियन अनअटेंडेड। गैरी ने जो है स्कॉर्पियन को जो है बिना अटेंड करे उस पर बिना ध्यान दिया, अनअटेंडेड मींस की उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, ऐसा क्यों छोड़ दिया। चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर थर्ड जो है एक बार और क्लियर कर दो, व्हाई डिड गैरी हैव टू लीव द स्कॉर्पियन अनअटेंडेड। गैरी ने जो है स्कॉर्पियन को जो है अनअटेंडेड किए, ऐसे छोड़
छोड़ दिया, मैंने उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, कहने का मतलब था कि ध्यान क्यों नहीं दिया. सो आंसर नंबर थर्ड, गैरीज मदर कॉल्ड हिम टू ईट समथिंग, दैट्स वाई ही हैड टू लीव द स्कॉर्पियन अनअटेंडेड. मीन्स गैरीज की जो मदर थी उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए बुलाया, जिसलिए दैट्स वाई, माने इसलिए ही हैड टू लीव, ही हैड टू लीव द स्कॉर्पियन अनअटेंडेड. और यही कारण था कि इसको स्कॉर्पियन को अनअटेंडेड किए हुए, इसको बिना ध्यान दिए हुए ऐसे छोड़ना पड़ा. सो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, वाट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्ड व्हेन द स्कॉर्पियंस गो आउट ऑफ द मैच बॉक्स. वॉट वॉज द फर्स्ट थिंग, वो पहली चीज क्या हुई थी जब स्कॉर्पियन जो है मैच बॉक्स से बाहर आई. आंसर द फर्स्ट थिंग दैट, द फर्स्ट थिंग that happened when the scorpions go out of the matchbox was, माने पहली चीज जो हुई स्कॉर्पियन के मैच बॉक्स से बाहर निकलते समय, वो थी बेबीज स्कॉर्पियंस क्लिंगिंग ऑन डिस्परेटली एंड scuttled ऑन द बैक ऑफ द लैरीज हैंड. माने पहली चीज ये हुई थी कि जो बेबीज स्कॉर्पियंस थे, फीमेल स्कॉर्पियन के जो बेबीज थे, वो क्लिंगिंग कर रहे थे बहुत ही डिस्परेटली, बहुत बेचैनी से जो है वो लहरा रहे थे, छितर रहे थे, और स्कटल्ड ऑन द बैक ऑफ द लैरीज हैंड, और लैरीज के हैंड पे बहुत तेजी से तीव्रता से दौड़ रहे थे. फीमेल स्कॉर्पियन स्टिंग्स कर्ब्ड एट द रेडी, मान जो फीमेल स्कॉर्पियन थी उसके जो स्टिंग्स थे, मीन्स वो डंक जो उसके थे वो कर्ब्ड हो गए थे रेडी पोजिशन में. माने कहने का मतलब कि उस डसने के लिए या डंक मारने के लिए तैयार पोजिशन में हो गए थे. ये जो पहला जो हुआ था वो ये चीज़ें हुई थी. फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर लैरी रियलाइज that the scorpions was crawling on the back of his hand. माने वो डिस्क्राइब करना है, उस चीज का वर्णन करना है कि उन इवेंट्स का, उन घटनाओं का, दैट टुक प्लेस जो हुई थी आफ्टर लैरीज रियलाइज, जब लैरी को ये रियलाइज हुआ कि जो स्कॉर्पियन जो है वो क्राउलिंग कर रहा था उसके हाथ के पीछे. क्राउलिंग मीन्स वैसे जो बच्चे अपने चलते हैं ना घुटनों से, उन्हें क्राउल करना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्कॉर्पियंस जो उसके हाथ पे चल रही थी, क्राउल कर रही थी, उससे मतलब है कि जब उसको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो स्कॉर्पियन से, तब क्या घटनाएं हुई, क्या घटनाओं की सीरीज थी वो बतानी है. सो वंस लैरी रियलाइज, एक बार जब लैरी को जो रियलाइज हुआ इस बात के बारे में, पता चला दैट कि द स्कॉर्पियंस वाज, जो स्कॉर्पियन थी सिटिंग ऑन बैक ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ के पीछे बैठी हुई थी. फ्रॉम देन, उसके बाद से द थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज, जो चीज़ें थी, जो 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 सब कुछ था वो क्या हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था, बहुत कुछ कन्फ्यूज्ड सा हो गया था. रोजर कैनॉट अंडरस्टैंड वाट understand what's happening and Roger जो था वो समझ नहीं पा रहा था, वो समझ ही नहीं सका कि what was, yes यहाँ पे एक mistake हुई, यहाँ पे आई नो what. Roger जो था उसको वो कुछ समझ ही नहीं सका कि आखिर हो क्या रहा था. and he was under mistaken, वो इस गलत फहमी में था that कि द फैमिली हैड अटैक्ड, कि फैमिली ने अटैक्ड किया है, एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू डिफेंड देम, और ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन्हें डिफेंड करे. एक्चुअली इसमें अगर हम सीरीज बताने जाएंगे तो बहुत सारी सीरीज में पूरी सारी घटनाएं लंबी चौड़ी हो जाएंगी. इसका एक अगर हम अप्रोप्रिएट आंसर बोले तो इससे बेहतर कोई आंसर हो नहीं सकता. तो इसमें बिंगो, जो बेबी बिंगोज की जो बुक है उनमें 5 क्वेश्चंस दिए थे, वो 5 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है इस खास इसमें दिया हुआ. सो अगर आपको लगता है कि कुछ और भी अलग से है क्वेश्चंस, अगर मान लो दूसरे पब्लिकेशन की बुक में कुछ उन्होंने अलग से क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया है, तो आप मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसके आंसर दे दूंगी. थैंक यू. मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो.